हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज कनिष्क कपूर, एचके बीस्ट, जो मर्जी जो भी है। तो भैया, ये पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसका सेकंड पार्ट है, और ये मैंने शूट उसी दिन किया था जिस दिन वो फर्स्ट पार्ट शूट किया था। और वो वीडियो लंबी होने का कारण मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दी थी। तो ये वीडियो में मैं वो अपना वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस सारा बताया है, तो आप ध्यान से देख लेना और समझ आ जाएगा आपको अच्छी तरह, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया आपको, हर चीज़ दिखा भी दी है मैंने, COE ऑफर लेटर जो भी होती है हर चीज़ दिखा दी है। और आप वीडियो देखो, क्या चाहिए, इंट्रो ये लो इंट्रो। मेन टॉपिक हमारा ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मैं अपना पहले डॉक्यूमेंट्स निकाल लूँ। एक मिनट रुको भैया, बहुत बहुत बड़ा बन जी भैया जी। ये है हमारी सारी फाइल, उसमें हर एक डॉक्यूमेंट पड़ा है। और पहले मैं आपको बेसिक से डॉक्यूमेंट बताता हूँ कौन कौन से चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आपने जब बाहर आना है तो मेन चीज़ है इंग्लिश टेस्ट, जो भी हो, कौन सा भी हो, IELTS, PT, जो मर्जी हो, जरूरी है। IELTS या PT दोनों में से कोई भी ले लेना, अच्छा है, काम का है, आपके काम ही आएगा, ठीक है। और ये 2 साल वैलिड होता है, तो उसी टाइम स्पैन के अंदर फाइल लगवाना भाई। आप ये नहीं है कि आपने 4 साल बाद जाना और 2 साल में PT के मतलब बन नहीं, ठीक है। तो आपने PT करनी क्योंकि वो 2 साल के लिए वैलिड होगी, खाली IELTS भी 2 साल या 1.5 साल होगी मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं कुछ खास, पर 2 साल के लिए दोनों वैलिड होती है मेरे जितनी नॉलेज में, ठीक है। तो अब IELTS और PT जब क्लियर होती है, तब आपसे एक एफिडेविट वगैरह कोई फॉर्म फिल कराते हैं, फॉर्म फिल कराएंगे कि भाई हम लॉजमेंट फाइल डाल रहे हैं, और रिफ्यूज़ल के कोई चांसेस आए तो वो हमारे ऊपर ब्लेम ना करे, एजेंट पहले अपने आप को साफ कर लेगा साइड, ठीक है। तो वो तो करना ही पड़ता है। तो इसके बाद हमने करनी होती है ऑफर लेटर अप्लाई। ऑफर लेटर आएगी, ऑफर लेटर के बाद जाते हैं फंड्स। ऑफर लेटर आपको दिखा देते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो स्टिल ऑफर लेटर मेरे इसमें होगी, ऐसी होती जी ऑफर लेटर ऐसी होती है, और ये ब्लैक एंड वाइट है, वैसे कलर्ड में आती है, मैं प्रिंट ब्लैक एंड वाइट किया हुआ। व्हाट, तो ये इसके ऊपर हर एक कोड सब कुछ लिखा होता है, फैमिली नेम, नूम, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ लिखा होता है। और ये मेलबर्न से इशू होती है, विक्टोरिया से, ठीक है। जो अगर मेरी इंस्टीट्यूट ने शायद मेलबर्न वगैरह से कराई थी, मेरे को कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये ऑफर लेटर है, ओके। और ऑफर लेटर के बाद जाते हैं फंड्स में कुछ भी चलेगा, लिक्विड कैश है। गाइस, यहाँ पे करेक्शन है एक, लिक्विड कैश का मतलब ये नहीं होता कि भाई हाथ से कैश देना, लिक्विड कैश वो होता है जो FDs के फॉर्म में ना हो, लाइक ओपन कैश पड़ा हो बैंक, ठीक है, ना ही FDs, ना ही कोई पॉलिसी, ना कोई, ठीक है, जो बैंक में खुला कैश पड़ा होता है उसको कहते हैं लिक्विड कैश। आगे देखो, FDs भी चलती हैं, ठीक है, और लोन भी चलता है। लोन से कोई रिफ्यूजल नहीं आती, मेरे को ये भी मैसेज आ रहा है कि भैया लोन लेंगे तो रिफ्यूजल तो नहीं आएगा, नहीं यार, एजुकेशन लोन में कभी रिफ्यूजल नहीं आएगी, उसको पता है कि भाई पैसे आने हैं इधर कंट्री में, उतारने तो आपके घर वालों नहीं है इंडिया में, तो वो रिफ्यूजल के चांस नहीं आते वैसे, ठीक है, लोन लेके भी बहुत बंदे आते हैं। तो लिक्विड कैश भी चलता है, FDs भी चलती है, पर कोशिश करना FDs ज़्यादा दिखा देना, लिक्विड कैश थोड़ा कम दिखाना, हो थोड़ा पंगा पड़ने के लिए, तो समझ आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना लिक्विड कैश 30 लाख कोई नहीं रखता भी नहीं है, ठीक है। तो FDs चलती हैं और एक्सेप्टेबल होती हैं, और रिनाउंड बैंक होते हैं, रिनाउंड बैंक्स की कोई FDs वगैरह चलती हैं मेरे ख्याल से, कुछ मेरे को इतना पता नहीं है, मेरी तो लगी थी बैंक ऑफ बड़ौदा या वगैरह से, जो भी थी बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC कुछ ऐसे था, ठीक है। ये फंड्स होए, फंड्स आपको कम से कम 25 से 30 इतने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मनी, शो मनी ज़्यादा मांगता है, पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बताया, अभी बताऊँगा, शो मनी हमेशा ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मांगेगा, वो GIC नहीं मांगेगा कैनेडा की तरह, ठीक है। कैनेडा तो $10,000 पहले ही GIC निकाल लेता है, 5-5.5 लाख, ठीक है, वो अलग कर लेता है, वो तो लगना ही लगना। तो 25 से 30 शो मनी, उसके बाद क्या, जब हमारी फंड्स अप्रूव होने जाते हैं, फंड्स अप्रूवल के टाइम जो ITR लगानी होती है, ITR की वैल्यू कम से कम 7 से 8 लाख होनी चाहिए 1 साल की। अगर आप 25 से 30 फंड शो करा रहे हो तो उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए, तभी तो 25 से 30 बनेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो लास्ट 3 साल की इनकम दिखानी है, लास्ट 3 साल की ITR दिखानी है, ठीक है। हमने साथ में GST भी दिखाई थी अपनी, जो बिजनेस नाम चलता हमारा, ठीक है, तो वो भी दिखाई थी। अगर किसी के पास है तो दिखा देना भाई, सब कुछ दिखा देना, उनको जो पसंद आएगा अपने आप उठा लेंगे, ठीक है। हमने सब कुछ दिखा दिया था, हमने कोई रिस्क नहीं लिया कुछ छुपाने का, सारा कुछ दिखा दिया भाई, जो आपको लीगल कागज लगता है ना अपने पास वो दिखा सीधी बात, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आ गई फंड अप्रूवल, फंड अप्रूवल के बाद जब आई तो उसके बाद जानी थी हमारी
फीस पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, फीस से भी पहले मतलब यहाँ पे मैं आपको चीज बताना भूल गया, तो इसी प्रोसेस से पहले मतलब फीस भरने से पहले मेरा मेडिकल हुआ था, और मेडिकल जो अगर कोई मेडिकल जो हमारा होता है जहाँ पे क्या कहते हैं उसको टेस्ट होते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में जाके जो भी टेस्ट होते हैं वीजा के लिए जो भी होते हैं, तो वो हमारे हुए थे फीस भरने से पहले नवंबर में। दिसंबर में मैंने फीस भरी थी और नवंबर में मेरे शायद टेस्ट जो है वो सारे मेडिकल टेस्ट जिसको कहते हैं, और जो भैया यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने आता ना उसके 2 या 3 टेस्ट एक्स्ट्रा भी होते हैं, तो ये आप देख लेना वेरी करते होंगे। मेरे टोटल मेडिकल टेस्ट में 5600 के आसपास लगे थे, और मैंने टेस्ट कराया था लुधियाना से, लुधियाना में कोई हॉस्पिटल है मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अपोलो वाला का हॉस्पिटल था मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था। तो ये मेडिकल हुआ था, और आप अगला पार्ट सुन लो फीस के बारे में। ये यार फीस जाएगी, उसके बाद COE आएगी, ठीक है, पहले फिर हमारी गई फीस। फीस हमने पे की थी मुथूट फाइनेंस से, करेंसी एक्सचेंजर से, करेंसी एक्सचेंज करके जाती है। एजेंट वाले बहुत चलाक होते हैं, एजेंट वालों ने अपने बंदे रखे होते हैं जो अपनी कमीशन खाते बीच में, तो उनसे बच के ठीक है, सावधान रहना सावधान, ठीक है। तो हमने मुथूट से कराई थी, एजेंट वाले अपने बंदे रखते हैं, ठगते हैं, तो थोड़ा बच के रहना, अपना कोई रिलायबल बंदा हो उससे करा लेना, फीस पहुंच जाती है, ठीक है। तो बस इसके बाद हमारी आती है ऐसे ही COE आती है, फंड अप्रूवल के बाद COE आएगी, जब फीस फूस भरी जाएगी, फंड अप्रूवल हो गया, फीस भर दी, चली गई, उनकी कंफर्मेशन आ गई कि भाई, तो वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट को COE कहते हैं कि भैया हाँ हमारे पास फीस पहुंच चुकी है, बच्चा एनरोल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या COE के बाद जाता है वीज़ा, COE आ गई, लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे वीज़ा। आपको पहले COE दिखा देता हूँ, COE क्या होती है, तो भैया ये होती है COE, एक ही तरह सा कागज बस, और कुछ नहीं होता COE, यही है COE। इस पर हमारा सारा स्टूडेंट ID सब कुछ लिखा होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से कोर्स में जा रहे हैं हम, कौन से कितने पैसे भर चुके हैं, कौन सी ईमेल ID है हमारे, PT स्कोर क्या है, IELTS स्कोर क्या है, सब कुछ लिखा होगा। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है, ठीक है। एक छोटा सा पेज होता है COE, इलेक्ट्रॉनिक आती है, हमने प्रिंट कराई हुई इसी दिवस, इलेक्ट्रॉनिकली आती है, ठीक है। तो COE का काम हो गया ख़त्म, तो इसके बाद जाती है वीज़ा फाइल। अब वीज़ा फाइल के टाइम फिर से वो फंड थोड़े बहुत देखेंगे फिर से, ठीक है। वीज़ा फाइल के टाइम भी फंड देखते हैं, हमारे देखे थे, अब मेरे को और किसी के प्रोसेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कौन कैसे करता है, हमारे लिए थे यार, ठीक है। वीज़ा फाइल के टाइम भी फंड्स देखे थे हमारे, फंड्स देखने के बाद उन्होंने हमारी ITR भी देखी थी दोबारा से, सब कुछ देखते हैं भाई, वीज़ा जब लगने होता है ना सब कुछ चेक करते हैं, तो ITR चेक की इन्होंने, ठीक है। ITR के बाद हमारे फंड्स चेक किए फिर से कितने थे, फीस चली गई, वो तो बीच में से वो भी काउंट करते हैं कि हाँ भाई इतनी फीस भी चली गई बीच में से। तो वीज़ा फीस होती है हमारी $36,000 36,000 रुपये, जो कि मेरे को नहीं पता कितने डॉलर हो गए, ठीक है, 36,000 रुपये थी, 36,500 इतनी फीस होती है वीज़ा एम्बेसी फीस जो भी लगती है वीज़ा लाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा होता है जब वीज़ा वगैरह आ जाता है, तो फिर भाई बल्ले बल्ले करो और क्या, नाते हो गाओ और क्या करें, ठीक है। तो जोक्स अबाउट, इसके बाद भाई वीज़ा फाइल जब लग जाती है तो उसके बाद हमारा आता है मेडिकल कराना, OHSC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर कुछ ऐसा नाम है, OH ओवरसीज हेल्थ स्टूडेंट कवर पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, OSHC कुछ ऐसा, OS ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। तो ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है, ये मेरा हुआ था NIB की तरफ से, NIB कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, चेक कर लेना वो भी। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी अलायंस का कराती है, अलायंस वालों को ओवरहेड मतलब अपफ्रंट कुछ नहीं देना पड़ता, NIB वालों को देना पड़ता है, फिर बाद में क्लेम आता है सीधी बात, ठीक है। तो ये मेरा हुआ था 81,000 का हेल्थ कवर, 3 साल का, पूरे 3 साल का नहीं, 3 साल 10 दिन कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, इसके बिना वीज़ा नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ कवर के बिना उन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा नहीं देना, हेल्थ कवर चाहिए। तो हेल्थ कवर एज अ पार्शल प्रूफ वो रखती है अपने पास, क्या कहते हैं, जो एजेंट होगा वो पार्शल प्रूफ रखता है, जब वीज़ा आता तो फुल पेमेंट हमने की थी उसकी, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस है, और मेरा वीज़ा जब फाइल लगी थी उसी दिन, जिस दिन मेरी फाइल लगी थी उसी दिन मेरा वीज़ा आ गया था, मेरी 31 दिसंबर को फाइल लगी थी, पूरी प्रोसीजर क्लियर होने के बाद 31 दिसंबर को फाइल लगी थी मेरी वीज़ा की, गई थी एम्बेसी में, और 31 दिसंबर को ही वीज़ा आ गया था मेरा, उसी दिन दोपहर 1:30 बजे के आसपास, आधे घंटे में वीज़ा आया भाई, 1 बजे लगी हुई थी, 1:30 बजे मेरा वीज़ा भी आ गया था। और
यही सारे प्रोसेस होता है। और अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे, मैं अभी भी एक्टिव रहता हूँ हर जगह, मेरे को आप मैसेज करो जब मर्जी, मैं आपको फिर बता दूंगा। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि मेरे को बहुत मैसेजेस आते थे, तो मैं शायद इनको वीडियो के दौरान, वीडियो मेरे लोग देखते हैं तो मैं उनसे गाइड कर पाऊँ कि भाई हाँ ये प्रोसेस होता है, ज़रूर देख लेना इस चीज़ को। और बाकी तो बस ऐसे ही है, वीज़ा वगैरह आ जाए, आपको वीज़ा दिखा देते हैं यार। ई वीज़ा होता है और ये हमने प्रिंट कराया होता है, और आपको एक वीवो चेक में मिलेगा साथ में। वीवो चेक इज लाइक ये देखो भैया, ये होता है अपना वीवो चेक के वर्क राइट कितनी है, और ये होता है हमारा वीज़ा, ये वीज़ा, ये वीवो चेक और वीज़ा, बस यही यही दो डॉक्यूमेंट होते हैं सही। और अपना स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है कुछ ऐसा, उसकी भी मेरे पास शायद शीट पड़ी है, बट डैडी साहब तो कुछ कमी होती तो गई है, इसमें ही पड़ी थी यार, मिल गई वीज़ा, मिल गया यार, कहाँ गया। 12 seconds later ये थी अपनी हेल्थ कवर की रिसिप्ट, ठीक है। बाद में कार्ड इशू रहता है, वो इधर आके होता है सब कुछ, कार्ड वगैरह जब इशू करना होता है, कार्ड वगैरह भैया आपको आपका जो एजेंट होगा ना वो उसी से कर लेना कॉन्टैक्ट। मैंने तो एजेंट को कहा था, मैंने एजेंट ने ना मेरे को कार्ड दिला दिया था निब का, तो क्योंकि उनकी ही आगे इनसे बात होती रहती है, तो दिस इज़ निब का कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऐसा होता है, ठीक है। और अपनी यूनिवर्सिटी का आई कार्ड भी दिखा देता हूँ भाई कैसा होता है, ये यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होता है अपना, ये स्पेशल कोड वगैरह सब कुछ लिखा होता है पीछे, ऐसे कोई पब्स वगैरह में जाना बॉय तो ये चल जाता है, ठीक है। अगर कहीं पब वगैरह में जाना हो, ऊपर 18 के ऊपर होते नहीं हो, तो यूनिवर्सिटी का कार्ड चल जाता है हर जगह एज आई डी प्रूफ, बहुत जगह चलता है यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड भी काम आ जाता है। मेरे को सजेस्ट करो मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, भैया इन्फॉर्मेशन तो बहुत है देने वाली, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस चीज़ पे बनाऊँ, लाइक जो लोग देखना चाहते हैं मैं उस पर बना नहीं पाता, अपनी ही बना देता हूँ, फिर वो उस पर थोड़ा अप्स एंड डाउन आते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ जो आप देखना चाहते हैं आप मेरे को बताओ, मैं बनाता हूँ वीडियो। अगली वीडियो गो कार्ड के ऊपर होगी, गो कार्ड कैसे बनाना है, गो कार्ड कैसे चलता है, कंसेशन कैसे अप्लाई करनी है। और सो दैट्स इट फॉर टुनाइट गाइस, अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना जो आप देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को। अभी मेरी 40% जनता है जो सब्सक्राइब नहीं कर रही है पर वीडियो देखती है, भाई प्लीज़ कर दो यार, ठीक है। और सारे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं, और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक, ये तीनों होंगे। अगर आपने कहीं पे भी मेरे को मैसेज भेजना जरूर भेजना, हिचकाना मत, कुछ भी पूछ लेना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भी पूछ लेना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अपने भाई को, थोड़ा चैनल ग्रो कर रहे हो बहुत अच्छी स्पीड में कर रहे हो, और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, क्रेजी प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, और बहुत अगर बहुत दिल से खुशी होती है कि भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही मेरी, तो ऐसे ही मैं करता रहूँ काम। और वीडियोस में डिले मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई काम होता है, काम करते रहते हैं तो वीडियोस में इसलिए डिले आ रहा है। एक बार थोड़ा सेटलमेंट हो जाए ना और अच्छी तरह, फिर तो भाई एडिटिंग अच्छी से करेंगे और अच्छी से करेंगे, और व्लॉग बहुत अच्छे बनाएंगे थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ रहें, कोरोना से सेफ रहें, बाय, पीस आउट।